वेलकम बैक टू सोनर्स व्लॉग सो जैसा कि आप सबको पता है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है करवा चौथ आने वाला है और दिवाली आने वाली है तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो सीधे पल्ले से साड़ी पहनते हैं जैसे सीधे राइट साइड पे जो लेते हैं हम पल्ला या बोल लीजिए गुजराती साड़ी हम किस तरह पहन सकते हैं इसकी वीडियो बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप सीधे पल्ले की साड़ी किस तरीके से पहन सकते हो और मेरी बेटी की जो आवाज आ रही है वो मेरी बेटी है और उसको इग्नोर करिएगा और साथ ही मैं ये बताऊंगी कि आप सर पे पल्ला किस तरह से ले सकते हैं क्या होता है ना करवा चौथ पे सर पे पल्ला लेना जरूरी होता है पूजा में दिवाली की जो पूजा होती है उसमें भी सर पे पल्ला लेना जरूरी होता है तो बिना टाइम बिताए फटाफट हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं सो so गाइज़ मैंने यहाँ पर पेटी कोट बांधा है और पेटी कोट थोड़ा सा टाइट बांधना है आपको और साथ ही अगर आप हील्स पहनना चाहते हैं तो वो पहन लीजिए पहले ही साड़ी वेयर करने के पहले अब मैंने साड़ी को लिया है तो जिस तरह से हम नॉर्मली जो उल्टे पल्ले की साड़ी पहनते हैं तो जिस तरीके से हम उसको बांधना स्टार्ट करते हैं ड्रेप करना से उसी तरीके से ही आपको इस साड़ी को ड्रेप करना स्टार्ट करना है सो so ये मैंने अपने लेफ़्ट साइड से ड्रेप करना स्टार्ट किया है और इसको पूरा राउंड लेकर मैं फ्रंट पे लेकर आऊंगी अब इसके बाद हम पल्लू बनाएंगे मैं अभी फ्रंट प्लेट्स बाद में बनाऊंगी तो पल्लू बनाने के लिए सबसे पहले हम साड़ी को मतलब पीछे से मुड़ते हुए आगे लेकर आएंगे और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर पल्लू के लिए प्लेट्स बनाएंगे तो यहाँ पर मैं एक्चुअली दो तरीके से आपको पल्लू बनाना सिखा रही हूँ एक तो सिंपल वाली है जो कि नॉर्मली ली जाती है और दूसरी थोड़ा सा अलग है जो केवल पतली बॉर्डर्स जिसमें होती हैं उनके साथ ही बन जाए बन पाएगा तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल वाली कैसी प्लेट्स लेनी है तो मैंने अपने शोल्डर की लेंथ के हिसाब से आ, मैंने यहाँ पर पल्लू बनाना स्टार्ट किया है तो पल्लू हम बनाएंगे प्लेट्स का लेकिन कई बार उसको एडजस्ट करने के लिए कई बार प्लेट लास्ट की जो प्लेट है वो बड़ी या छोटी हो सकती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें हो सकता है उसकी एडजस्टेंट वाली प्लेट को मतलब मोड़ना पड़े थोड़ा सा उसको कम फोल्ड करना पड़े तो आप ये देख सकते हो ये मैंने प्लेट्स बना ली है लेकिन जो सेकेंड लास्ट प्लेट है आई I मीन mean, सेकेंड नंबर की जो प्लेट है उसको हमने कम फोल्ड किया है और बस इसे अब हम आ, एक सा करें यहाँ पर एक ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है फ्लावर बना हुआ है तो इस फ्लावर से मैं एक्चुअली इसको आ, मतलब एडजस्ट कर लूँगी वहाँ पर मैंने देख लिया था कि फर्स्ट वाला फ्लार कितना आ, फोल्ड हुआ था तो उसी हिसाब से मैंने सेकेंड वाले फ्लार को भी ऐसे एडजस्ट करके एक सीधी प्लेट में बना लूँगी और बस फिर इसको एक्चुअली अब हमें इसे सीधे पल्ला मतलब कि अपने राइट right साइड वाले शोल्डर पे इसको अटैच करना है लगाना है तो इसके पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी थोड़ा सा इन प्लेट्स को एडजस्ट करूँगी और देन इसके बाद मैं यहाँ पर जो वो कपड़े सुखाने की जो पिन आती है उसको मैं लगाऊँगी अभी मैंने इसको लेफ्ट शोल्डर पे लिया है जस्ट इसलिए कि मैं प्लेट्स अच्छे से बना लूँ फिर उसके बाद मैं इसको राइट right साइड वाले शोल्डर पे ही टक करने वाली हूँ पिन से सो so, मैंने यहाँ पर दो पिन लगा लिया कपड़े सुखाने वाली जिससे कि प्लीट्स को लगाना आसान रहे और फिर राइट साइड पे ले जाकर मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन से टक कर लूंगी पल्लू की लेंथ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कम लिया है मतलब थाई तक की लिया है क्योंकि मुझे सर भी ढकना है तो थोड़ा सा मुझे चाहिए पड़ेगा मार्जिन पीछे भी फैब्रिक चाहिए होगा और यहाँ पर सेफ्टी पिन आपको ध्यान रखना है पीछे साइड पे लगाना है ऐसा इसलिए बोल रही हुई अगर आप सर ढकोगे तो बहुत जरूरी होता है थोड़ा पीछे लगाना अदरवाइज़ वो पल्ला आगे आता है और इनफैक्ट अगर आप सर नहीं भी ढको उल्टा पल्ला हो या सीधा पल्ला हो दोनों में ही आप अगर थोड़ा सा पीछे पिन लगाओगे तो सही रहेगा कैरी करना आसान होता है वरना वो बार बार साड़ी का जो ये पल्लू है बार बार वो आगे को आता है तो इसलिए थोड़ा सा पीछे को इसको टक करिएगा फिर बस ये टक हो चुका है अब हम जो साड़ी कपड़े सुखाने वाली पिन है इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ का ये लास्ट वाली जो प्लेट है इसको ले जाकर हम पीछे ब्लाउज़ में टक करेंगे अभी मैंने ये जो आपको साड़ी पहनाना बताया है ये मैंने टी शर्ट पे बताया है बट जब आप ब्लाउज़ वेयर करोगे तो ब्लाउज पे ही टक करना है और टी शर्ट का कपड़ा थोड़ा सा लूज़ होता है तो ऑब्वियसली ब्लाउज जैसी फिटिंग नहीं होती है इसकी तो उतना अच्छे से नहीं आ पाता है बट मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर अभी टी शर्ट वेयर किया है और यहाँ पर ब्लाउज़ में टक करने के लिए हो सकता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े बट एनी सो अब हम बनाते हैं फ्रंट प्लेट सो फ्रंट प्लेट के बनाने के पहले हम थोड़ा सा फैब्रिक इतना छोड़ेंगे जितने कि हमारा सर ढक जाए आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं अपने सर पे लगा कर कि मैं सर ढगूँगी तो फैब्रिक बचे नहीं उसके बाद हमें अपनी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है होता क्या है जब हम उल्टे हाथ तरफ की साड़ी पहनते हैं तो जो प्लेट्स होती हैं जब मतलब नॉर्मल जो हम साड़ी पहनते हैं उसकी प्लेट्स जो होती हैं उसका जो झुकाव होता है लेफ्ट साइड की तरफ होता है बट राइट साइड में ऐसा उल्टा होता है हम जो प्लेट्स को मतलब मोड़ते हैं वो करते हैं राइट साइड की ही तरफ तो तो इसलिए यहाँ पर प्लेट्स बनाना है और प्लेट्स नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे लेकिन इसको हमें दूसरे साइड से दूसरी तरफ फोल्ड करना है तो आप देख सकते हो जैसे कि हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं छूटना चाहिए अभी प्लीट्स बन चुकी है मैंने इसको ढक दिया लेकिन यहाँ पर अब हम एक काम करेंगे जो लास्ट की प्लीट है इसको हम निकाल देंगे जिससे कि थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाए तो ये मैंने लास्ट वाली प्लीट निकाल दी है और इसको मैं सब जब सर ढकूँगी तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा इतना फैब्रिक और यहाँ पर आपको वापस से आगे तक थोड़ा सा टक करना है जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल भी लूज़ नहीं दिखना चाहिए फिटिंग बिल्कुल बराबर दिखनी चाहिए और बस ये प्लीट्स बन चुकी हैं अब इन प्लीट्स को हम एक सा करके यहाँ पर मैं एक पिन लगा लूँगी सारी पिन लगाऊँगी सो so, ये मैंने साड़ी पहन ली है ये है फ्रंट प्लेट और ये है सामने का पोशन अब इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे तरीके से साड़ी पहना तो इसमें पल्लू का ही मैं चेंज कर रही हूँ सो so, क्या करना है पल्लू बनाते वक्त तो हम पहले क्या करेंगे नॉर्मली ऐसे रफली मैं एक पल्लू बना लूँगी जिस तरीके से हम राइट शोल्डर पर पल्लू लेते हैं वैसे ही हम नॉर्मली बना लेंगे अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका लेंथ मेजर करेंगे कि कितनी लेंथ पे मुझे कितना बड़ा मतलब पल्लू डालना है फिर वो एडजस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसका पल्लू बनाना स्टार्ट करेंगे तो पल्लू बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर दो बॉर्डर्स हैं तो ये वाला बॉर्डर है जो कि ऊपर को आएगा और एक जो बॉर्डर है वो नीचे को आएगा तो आपको जो ये ऊपर वाला बॉर्डर है यहाँ से स्टार्ट करनी है बिल्कुल पतली पतली प्लीट्स बनाना बिल्कुल जितना मतलब साड़ी की बॉर्डर है जितनी चौड़ी बस उतनी चौड़ी ही बनाना है बट ध्यान रखिएगा ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये शिफोन की साड़ी हो गई जॉर्जेट की साड़ी हो गई नेट की साड़ी साड़ी हो गई जो मतलब पतले कपड़ों की जो साड़ियाँ होती हैं उस पर ही अच्छे से बन पाएगा क्योंकि जो कॉटन वगैरह की साड़ी उसमें बहुत चौड़ी प्लेट्स आएंगी मतलब बहुत आ, मोटी बनेंगी जो कि फिर टक करना डिफिकल्ट होता है तो इस तरीके से हमको सारी प्लीट्स को जितनी बॉर्डर उतनी बॉर्डर में लपेटते जाना है और लास्ट में क्या करना है लास्ट वाली बॉर्डर को हम इसके अंदर नहीं दबाएंगे बल्कि हम इसको उसके साइड में रखे रहने देंगे और अब हम यहाँ पर एक पिन आ, सेफ्टी पिन से टक कर लेंगे तो अभी मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा देती हूँ सो so, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है अब इसके एडजेंट साइड पे मतलब इसी के नीचे अब मैं यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल कर रही हूँ टेबल पे इसको प्लेट्स बनाना ज़्यादा आसान होता है तो अभी हम क्या करेंगे थोड़ा डिस्टेंस पे फिर से वैसे ही प्लेट्स को लेंगे और वैसे ही पिन हम थोड़ा दूरी पर लगाएंगे सो so, ये मैंने पिन यहाँ पर लगा ली है अब इसको हम अपने शोल्डर पे टक करेंगे और बहुत आसान होता है ऐसे टक करना एक्चुअली आप इस तरह से प्लेट्स पहले बना कर रख सकते हो जिस दिन आपको वेयर करना है जैसे आपने पहले बना के रख लिया और जस्ट आप इसको निकालो और अपने शोल्डर पे इसको टक कर लो तो इस तरह की डिज़ाइन मतलब पैटर्न भी अच्छा लगता है इस तरह से वेयर करना और थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी देता है तो यहाँ पर मैं अगेन थोड़ा सा पीछे साइड पर इसको टक करूँगी और इसके बाद मैं इसका जो लास्ट की जो प्लीट है इसको मैं अपने ब्लाउज़ से टक करूँगी ये वाली प्लीट सो so, ये ब्लाउज पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है और काफ़ी अच्छा लगेगा आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा इस करवा चौथ पे अब हम देखते हैं कि सर पे हमें पल्लू कैसे डालना है तो सर पे पल्लू डालने के लिए यहाँ पर आप चाहो तो पीछे एक और पिन मतलब दो पिन एक्चुअली लगेंगी एक इस प्लेट को कर लगाने के लिए और एक ये जो सारी प्लेट्स यहाँ पर इकट्ठी हैं इसको लगाने के लिए तो यहाँ पर अगेन आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि राइट साइड पे एक्चुअली पिन टक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है खुद से नहीं बनता है तो किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं यहां पर दो पिंस लगाऊंगी मतलब एक जो लास्ट वाली प्लीट है उसमें और जो एक जो इकट्ठी प्लीट्स है उसके ऊपर सो so, ये आप देख सकते हो पिन लग चुकी है दो पिन मैंने यहाँ पर टक की हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे कि आ, सर पे पल्ला अब हमें डालना है तो आ, सर पे पल्ला डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने सर पे इसको एडजस्ट करके देखना है अच्छा आप जिस दिन आप सर पे पल्ला डालने की सोच रहे हो या डालना है तो उस दिन आप कोशिश करो कि अपनी हेयर स्टाइल आप जूड़ा बनाओ ये जूड़ा पे बहुत आसानी से टक हो जाता है अब इसके बाद हम राइट साइड में एक एक पिन लगाएंगे तो आप इसको एडजस्ट करके देख सकते हो कम्फर्टेबली अगर आप अपना हेड को मूव कर पा रहे हो तो उस हिसाब से आपको राइट साइड में भी एक टक कर लेना है पिन और अपने जूड़े पे भी टक कर लेना है इस तरह से अगर आप मतलब घूंघट लेंगे पल्लू लेंगे सर पर तो बहुत आसान रहेगा और पूजा वूजा करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सो so, ये है मेरा फाइनल लुक मेकअप करने के बाद और बहुत ही आसान से ये कैरी हो गया है जो घूंघट के दोनों साइड मैंने पिन लगाए हैं उससे एक्चुअली बहुत आसानी हुई है कैरी करने में ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने घूंघट डाला हुआ है तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके तो चलो वीडियो को खत्म करते हैं बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग